हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देख रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ असिस्टेंट सैनिटरी ऑफिसर फॉर बीपीएससी, है ना। और एग्जाम डेट भी आ चुकी है, एग्जाम आपका नवंबर में होने वाला है। और अगर आप इस वैकेंसी को लेके सीरियस हो तो हमारे पास इसका रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 2000 में है। इसमें लाइव क्लासेस हुई हैं, है ना। आपको एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप भी दिया जाएगा, है ना। और 6 महीने की वैलिडिटी दी जाएगी, पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लासेस कवर है। और पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कराया गया, मतलब पूरा कंप्लीटली कराया गया है पेपर 1 पेपर 2, है ना। इसमें नंबर ऑफ क्लासेस भी 170 प्लस क्लासेस हैं, ठीक है दोनों। और हर क्लास कम से कम 2 घंटे की है, नहीं तो कई क्लास 3 घंटे की है, ठीक है। मतलब आपको पूरा सिलेबस कराया गया है विथ ऑथेंटिक डेटा, ठीक है। मतलब मैनुअल से डेटा करवाया जाता है आपको, ठीक है। चलिए तो आज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं हम। आज के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि रबिश क्या होता है, ठीक है। तो आपको रबिश और गार्बेज, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यही आपको समझा देता हूं कि अगर कोई म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है तो वैसे तो आप इसको 3-4 तरीके से डिवाइड कर सकते हो, है ना। लेकिन अब यहां पर बात रबिश की हुई है तो हम यहां पर इसको गार्बेज और रबिश ऐसे दो उसमें बांट देते हैं, ठीक है। गार्बेज और रबिश, है ना। सुना होगा कई बार, कई लड़कियां बोल के जाती हैं या पिक्चर विक्चर में देखा होगा हीरोइन बोल, यू आर रबिश, यू आर टॉकिंग रबिश, है ना। यू आर टॉकिंग रबिश मतलब आप कचरा बोल रहे हो, है मतलब वही है कि कुछ भी खराब कचरा बातें कर रहे हो एकदम, ठीक है। तो रबिश और गार्बेज का मतलब समझेंगे। गार्बेज मतलब वो वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल हो, ये याद रखना, ठीक है। वो वेस्ट भले जल सकता हो ना जल सकता हो, लेकिन कैसा हो, बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक है। और रबिश मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। रबिश मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल समझेंगे कि जैसे आपने एप्पल खाया, है ना, मान लो आपने एक दो बाइट एप्पल खाया, आपको कीड़ा दिख गया, तो आपने उसको एप्पल को फेंक दिया, ठीक है, एक जगह फेंका। अब आप 2-3 दिन बाद आओगे तो वो एप्पल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मतलब बायोलॉजिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, इंसेक्ट ने उसको क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया, है ना। मतलब उसको क्या किया, उसको एक स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, खाया निकाल दिया, एक स्टेबल फॉर्म हो गया। तो पहले जो वो वेस्ट क्रिएट हो रहा था वो क्या हो रहा है, वो खा लिया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट के द्वारा, ठीक है। अब दूसरा वेस्ट लेते हैं, कोई मेटल रॉड है, है ना, या कोई प्लास्टिक है या कोई ग्लास है, उसको आप फेंकोगे, वो आप 1 महीने बाद भी लौट के आओगे तो वो वहीं रहेगा, वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट वो लोग लोग नहीं खाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा, क्लियर है। तो अब आपको पूछ रहा है रबिश इंक्लूड ओनली कंबस्टिबल सॉलिड वेस्ट। अब आता है कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मतलब ऐसा वेस्ट जिसको जलाया जा सकता है, जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, ये सब क्या होता है, जला सकते हो आप इसको, है ना। और कुछ वेस्ट है जिसको आप नहीं जला सकते, मेटल हो गया, है ना। तो रबिश क्या है, रबिश दोनों ही है, रबिश कंबस्टिबल भी हो सकता है, मतलब पेपर भी रबिश है, है ना, या और भी कई आते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और जलाए जा सकते हैं, जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, ठीक है। तो रबिश दोनों है, बायोडिग्रेडेबल मतलब ये कंबस्टिबल भी है और नॉन कंबस्टिबल भी है, ठीक है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहां पे देखते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट जाते हैं क्योंकि रबिश कंबस्टिबल भी है और नॉन कंबस्टिबल भी है, ठीक है। तो कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल इंक्लूडिंग फूड वेस्ट, तो क्या रबिश के अंदर फूड वेस्ट आएगा, नो फूड वेस्ट, क्योंकि फूड वेस्ट क्या होता है, फूड तो बायोडिग्रेडेबल होता है ना, तो गार्बेज में आएगा फूड वेस्ट। गार्बेज में क्या आएगा, गार्बेज में आएगा फूड वेस्ट, ठीक है, है ना। तो फूड वेस्ट एक गार्बेज है, तो ये तो सी भी गलत हो गया, तो क्या बचा, डी सही है, कंबस्टिबल भी है नॉन कंबस्टिबल है और फूड वेस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होते, तो डी आंसर आपका सही है। दूसरा देखते हैं, विच टाइप ऑफ वेस्ट कवर फूड वेस्ट, वेजिटेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। तो अभी हमने देखा कि ऐसे कौन से टाइप के वेस्ट है
जो वेजिटेबल या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इंक्लूड करता है, तो वो क्या है? वो है गार्बेज। वो क्या है? वो है गार्बेज। तो सही आंसर क्या है आपका? गार्बेज, आंसर ए। ठीक है, अब एक बार एक पिछला क्वेश्चन एक तो रिवाइज करते हैं। ये जो हमने हायरार्की देखी थी, है ना, हमने इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो हायरार्की देखी थी, उसमें आपने सबसे ऊपर किसको नंबर दिया था? करेक्ट सीक्वेंस बताओ क्या होगा। सबसे ऊपर था सोर्स रिडक्शन, फिर रिसाइकलिंग, फिर वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन और फिर लैंडफिलिंग। ठीक है, तो सबसे ऊपर आएगा, एक मिनट रुको, सबसे ऊपर आएगा बी। ठीक है, बी। ठीक है, चलिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और कल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक स्पेशल सेशन, फॉर लाइव सेशन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको अटेंड करेंगे, तो आपको हम उस क्लास में बात करेंगे कि क्या होनी चाहिए आपकी एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम डेट निकल के आ गई है, तो कैसे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, कैसे रिवीजन करना है, सारी चीज़ें कल लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं कल लाइव आऊँगा, तो आप मिलिएगा कल लाइव, मिलते हैं 12 बजे। ठीक है, 12 बजे लाइव मिलते हैं कल दोपहर में, ओके, दिन में 12 बजे। ठीक है, बाय।